वेलकम बैक एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि कैन कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। बेसिकली ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग करते समय या ऑटोमोबाइल वाहनों में जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स के बीच में होता है उसी के एक नए रूपांतरण को हम कैन कम्युनिकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस ट्रेनिंग पीरियड में हम समझेंगे कि कैन कम्युनिकेशन है क्या। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए कृपया बेल आइकन को जरूर दबाएं। MNV टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड यानी मोटर मैकेनिक कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे जो आपको कोर्स में हेल्प करेंगे। कम्युनिकेशन विद कंट्रोल यूनिट्स, कैन कम्युनिकेशन सिस्टम, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कैन सिस्टम, इंस्पेक्शन ऑफ कैन सर्किट डायग्राम, तो ये मेन कंटेंट है हमारे जिस पे हम फोकस करें। अब हम समझेंगे कैन कम्युनिकेशन यानी कैन कम्युनिकेशन होता क्या है। कैन का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। ये जो कंट्रोलर एरिया नेटवर्क है इसे कैन बस भी बोला जाता है। ये जो है डेवलप कर दिया गया था 1983 में बॉश कंपनी के द्वारा और ऑफिशियली इसको रिलीज कर दिया गया 1986 में सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए यानी ऑटोमोबाइल फील्ड में ये आ गया। जो कैन बस है ये 5 प्रोटोकॉल्स पे कार्य करता है और ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक और व्हीकल डायग्नोस्ट स्टैंडर्ड इसको ये सरल बना देता है। तो अब इसके कारण जो हमारा फॉल्ट यानी जो डायग्नोस्ट ढूंढने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी अधिक सरल हो गया। कैन कम्युनिकेशन की यदि हम बात करें कि कैन यानी कंट्रोलर एरिया नेटवर्क में किस स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होता है या चलता है, तो वो चलता है 25 kbps से 1 mbps की स्पीड पर, यानी इतनी ज़्यादा स्पीड पर ये डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। इसके अतिरिक्त एक और जानकारी कि कैन कम्युनिकेशन हम वायर के थ्रू करते हैं, तो ये जो इसकी वायर की मैक्सिमम लिमिट है वो 40 मीटर हो सकती है। इस लिमिट पर ये कैन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा और सुचारू रूप से कार्य करता है। आइए जानने की कोशिश करें एप्लीकेशन यानी कैन कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, जहाँ हमें देखने को मिल सकता है। पैसेंजर कार्स में, ट्रक में, बसेस में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड मैकेनिकल कंट्रोल यानी हम बोले मैन्युफैक्चरिंग्स में, जहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पर इसका इस्तेमाल देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ मॉडर्न रेलवे, जो आधुनिक रेलवे इस समय जैसे हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं या बहुत ज़्यादा सुपर स्पीड ट्रेन की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा कैन नेटवर्क देखने को मिल जाता है। आइए अब बात करें यूज इन कार फॉर टेक्नोलॉजी। इसके आने से हमारे कार के अंदर कौन कौन सी तकनीक आई। पार्किंग असिस्ट सिस्टम यानी पावर स्टीयरिंग को आपको उपयोग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। स्टीयरिंग आप उपयोग नहीं करेंगे फिर भी आपकी गाड़ी क्या होगी, असिस्ट होकर के पार्किंग एरिया में स्वयं लग जाएगी या वहां से स्वयं निकल जाएगी। तो वो क्या करेगी, असिस्ट करेगा पार्किंग से, पार्किंग में जाना और पार्किंग से निकलना। सेकंड, इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक यानी आपको अब हैंड ब्रेक के लीवर को खींचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ एक पावर विंडो के जैसा एक छोटा सा स्विच आप उसे ऑपरेट कीजिए और आपका जो व्हीकल है वो इलेक्ट्रिकल पार्किंग मोड पर चला जाएगा और आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप यानी इंजन को स्टार्ट करने और बंद करने के लिए पुश बटन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम एक पुश बटन लगा हुआ है जिसको हम प्रेस करते हैं और हम अपने इंजन को स्टार्ट कर पाते हैं, तो ऐसा हो पाना संभव हुआ किसके कारण, कंट्रोल एरिया नेटवर्क के कारण। ये कंट्रोल एरिया नेटवर्क जितना अच्छा और स्ट्रांग होगा हमारी गाड़ियों में उतनी ही आधुनिक टेक्नोलॉजी देखने को मिल पाती है। आई होप आपने इस स्लाइड में
स्कैन कम्युनिकेशन के बारे में बेहतर तरीके से समझ लिया है। कैन डेटा फ्रेम, कैन डेटा फ्रेम क्या है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें अधिक डेप्थ में हमें नहीं जाना है, हम यहाँ पर डेटा फ्रेम समझ लेते हैं। जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं, स्टार्ट ऑफ फ्रेम, एंड ऑफ फ्रेम। तो अब यहाँ से इसके बीच में जो डेटा है वही काम का है। इसके बीच में कुछ बिट्स में डेटा रखा गया है जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए है। तो ये जो पूरा का पूरा फ्रेम है, इस फ्रेम में हम कितना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, 11 से 29 बिट का डेटा जो है हम एक फ्रेम के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ये जो डेटा है ये सभी जगह पर अलग अलग कार्य के लिए हो सकता है। कैन कम्युनिकेशन में और भी बहुत सारी डिवाइसेस हमारी लगी होती हैं, हालांकि ये स्टैंडर्ड फ्रेम मैसेज है। तो इसमें रिमोट फ्रेम लगा हुआ होता है, इसके साथ साथ नोड लगा हुआ होता है, ट्रांसमीटर लगे हुए होते हैं, डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं। तो ये सभी क्या कार्य करेंगे, इस डेटा फ्रेम को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, डेटा को रीड करने में हेल्प करते हैं कैन कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो आई होप इसमें आपको थोड़ा सा डेटा फ्रेम के बारे में नॉलेज मिला होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज ऑफ डेटा इन यूनिट, क्या क्या यूनिट होती हैं, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे वन बिट, वन बिट का मतलब 0 या 1 के पैटर्न बाइनरी में आपको कुछ भी लिखना है, तो आप या तो एक ही डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, ओनली वन, या तो आप 0 इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप 1 इस्तेमाल कर लीजिए। अगर 2 बिट बोला जाता है तो इसका मतलब है वहाँ पर पैटर्न कितने बनेंगे, 4। आप 2 डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो 00 या 01 या 10 या फिर 11। यहाँ पर बिट कितनी है, 2, तो यहाँ पर डिजिट कितने हैं, 2। और अगर 3 बिट की बात करें तो 3 बिट में आपके 8 पैटर्न्स बनते हैं, लाइक दैट। इसी प्रकार से 8 बिट्स में, मान लीजिए सबसे पहला जो 8 बिट का पॉइंट है उसका पैटर्न का सबसे पहला है 8 टाइम 0, 8 टाइम 1, यानी 1 जो है वो 8 बार है, 0 जो है वो 8 बार है। तो अगर उसके पैटर्न्स को बनाया जाए, जैसे ये बिट 2 का डेटा बनाया था हमने, पैटर्न का डेटा समझा है, तो हम देखेंगे कि 556 पैटर्न यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 0 से लेकर के 255 इन बाइनरी फ्रेम आ जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, 1 बिट, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी 1 बाइट। और इसमें केवल 0 और 1 का फॉर्म नहीं होगा, इसमें अब केवल 0 और 1 का फॉर्म नहीं होगा, इसके अतिरिक्त इस बिट को बढ़ाने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स और जो सिंबल्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे छोटे ABCD के अल्फ़ाबेट, बड़ी ABCD का अल्फ़ाबेट, हैश एंड अनदर सिंबल्स का भी इस्तेमाल देखने को मिल सकता है। तो जो 1 बाइट है उसमें 8 बिट हैं, तो 1 बाइट यानी 1 कैरेक्टर 124 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होगी, 124 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होगी, 124 MB 1 गीगाबाइट के बराबर होगा, 124 GB 1 टेराबाइट के बराबर होगा। तो ये एक पैटर्न है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ समझनी है कि 8 बिट यानी 1 बाइट, और उसके अंदर देखिए पैटर्न्स कितने सारे हैं, तो यानी उसके अंदर बहुत सारा डाटा जो है वो ट्रैवल कर रहा है। और हमने इससे पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़ा, इससे पहली स्लाइड में, कि जो है वो 1 Mbps की स्पीड तक चल सकता है, यानी मेगाबाइट पर सेकंड, यानी 1024 KB पर सेकंड की स्पीड से वो जो डेटा है उसके अंदर वो ट्रैवल करेगा और मॉड्यूल्स में वो कम्युनिकेशन का कार्य करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक अभी क्लियर हुआ है। इस स्लाइड से अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कैन कम्युनिकेशन यूनिट वर्किंग, अब ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम थोड़ा
सही प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जितने भी हमारे कंट्रोल मॉड्यूल्स लगे हैं, चाहे वो ECM हो, BCM हो, TCM हो, ECM हो, जितने भी मॉड्यूल्स लगे हैं, सबके अंदर अपना खुद का जो है कंट्रोल यूनिट लगा हुआ, यानी कैन कम्युनिकेशन का जो यूनिट है वो हमने लगा रखा है, जो सिर्फ कैन कम्युनिकेशन से संबंधित होगा और उस कार्य को पूरा करेगा। तो वो क्या क्या काम करता है, जैसे अगर मान लीजिए ECM में लगा हुआ है तो वो ECM के लिए क्या क्या कार्य कर रहा है, अगर BCM के अंदर लगा हुआ है तो BCM के लिए क्या क्या कार्य कर रहा है, अगर ABS मॉड्यूल में आपका कैन कम्युनिकेशन यूनिट लगी है तो वो क्या काम कर रही है, तो हम उसके बारे में अब समझेंगे। फर्स्ट, यूज टू डेटा रिसीव, यानी जो डेटा उसको उपयोग करने के लिए उसके पास आया है वो उसको रिसीव करेगा। सेकंड, डेटा कंपेयर विद हाई कैन एंड लो कैन। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि दो वायर्स होती हैं, उसमें एक हाई कैन होता है और एक लो कैन होता है, वो क्या करेगा, दोनों में ही सेम डेटा आ रहा है, वो दोनों को क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि डेटा करेक्ट आया है या फिर नहीं आया। थर्ड, ट्रांसफर डेटा टू कैन लाइन, यदि कोई डेटा आगे भेजने की रिक्वायरमेंट है कैन लाइन में, कैन सिस्टम में, तो उसको भेजने का भी कार्य करेगा। फोर्थ, डेटा ट्रांसफर आफ्टर चेक हाई कैन एंड लो कैन, डेटा जो ट्रांसफर करेगा किसको, मॉड्यूल को, जैसे ABS के अंदर लगा हुआ है, ABS मॉड्यूल में लगा हुआ है, तो ABS को अगर कोई डेटा बताना है तो पहले हाई कैन और लो कैन से कंपेयर करने के बाद इंटरनल जिस यूनिट के अंदर लगा हुआ है ये उसको बताएगा। फिफ्थ, क्रिएटिंग द एरर कोड एंड इन्फॉर्म द यूनिट। मान लीजिए कि कोई डेटा है जो कि आपके कंट्रोल यूनिट के पास बन रहा है, किसकी वजह से, कैन कम्युनिकेशन की वजह से कोई डेटा बन रहा है, तो वो क्या करेगा, कैन कम्युनिकेशन सिस्टम वो इंटरनली उस मॉड्यूल को बताएगा कि आपके पास जो कैन कम्युनिकेशन यूनिट है वो काम नहीं कर रही, उसमें कुछ एरर आ गया है, तो उसका इंफॉर्मेशन यूनिट को मिलेगा। सिक्स, सेल्फ डायग्नोज द सिस्टम, यानी ये जो कैन कम्युनिकेशन है ये क्या करेगा, अपने आप को इंटरनली क्या करेगा, रीचेक करता रहेगा, डायग्नोस्ट करता रहेगा, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कुछ आया है तो उसको ठीक करना, अपने आप को रीचेक करता रहेगा, और जैसे ही कोई कोड लगेगा तो वो इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करेगा। सेवेंथ, द यूनिट टू हेल्प फॉर वार्निंग लैंप ऑन दैट सिग्नल, यानी इस कैन कम्युनिकेशन के सिग्नल के बेसिस पे हमारी MIL लाइट, जिसे हम बोलते हैं मल फंक्शनिंग लैम्प, वो भी ऑन करवाया जा सकता है, किसके द्वारा, कैन कम्युनिकेशन के द्वारा, यदि वे बार बार एरर सजेस्ट कर रहा है, बता रहा है तो ये कुछ कार्य जो अभी हमने पढ़े, ये कार्य कैन कम्युनिकेशन यूनिट के वर्क का ही एक पार्ट है। तो आई होप ये स्लाइड अभी आप लोगों को समझ में आया है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। डाटा ट्रांसमिट फॉर यूनिट, यानी कि वो डेटा जो किसी यूनिट के लिए रिक्वायर हो सकता है, उसका शॉर्ट लिस्ट किया है मैंने थोड़ा सा आपको बताने के लिए कि किस प्रकार से जो है वो डेटा कौन कौन सा है जो रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। यूजेबल डेटा टू ट्रांसफर टू अनदर यूनिट, यानी कौन कौन सा ऐसा डेटा हो सकता है जो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को बताने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसमें से स्पीड ऑफ कार, यानी गाड़ी जो है वो किस गति से चल रही है, स्पीड ऑफ इंजन, इंजन किस गति से काम कर रहा है, चल रहा है, कार पोजीशन, कार किस अवस्था में है, मतलब फ्लाईओवर पे चढ़ रही है या फिर डाउन हो रही है, MIL लैंप, ऐसा तो नहीं है कि किसी मॉड्यूल में कोई फॉल्ट आया और उसका MIL लैंप जल रहा है, अगर ऐसा है तो उसकी भी जानकारी बाकी मॉड्यूल्स को मिलना चाहिए, टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर कितना हो गया है, उसका इन्फॉर्मेशन यदि किसी और डिवाइस के लिए रिक्वायर्ड है तो उसको भेजा जाए। ब्रेकिंग एंड पार्किंग, गाड़ी को रोकने के लिए क्या ब्रेक का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या हमारी गाड़ी एक ही जगह पर रुकी हुई है,
इस चीज़ के लिए हम स्विच का उपयोग करते हैं जिसका सिग्नल कुछ मॉड्यूल के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा SRS के लिए जो नीडेड होगा वो इनमें से रिसीव कर लिया जाएगा। EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के लिए जो भी डेटा रिक्वायर्ड होगा वो रिसीव कर लिया जाएगा। AC सिस्टम के लिए जो डेटा रिक्वायर होगा वो भी रिसीव कर लिया जाएगा जिस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक AC का उपयोग किया गया हो। अब देखिए डाटा इसमें जाएगा कैसे, जैसे मान लीजिए कि A1 से चला और F1 तक उस डेटा को जाना है, तो वो डेटा यहाँ से होता हुआ इधर से होता हुआ, देखिए ये तो जंक्शंस हैं, D1 का जंक्शन यहाँ पर है, ये इसका जंक्शन, इन दोनों का जंक्शन इन यहाँ पर है और इसका जंक्शन C1 का यहाँ पर है, लेकिन भेजना कहाँ है हमें, F1 पे। तो A1 से निकलता हुआ जाएगा और कहाँ पहुँच जाएगा, F1 पे। फिर यहाँ से अगर कोई डेटा की रिक्वायरमेंट है तो इस तरीके से आगे, फिर इसमें से इसमें, जिस भी डेटा का रिक्वायरमेंट होगा वो एक दूसरे से पास आउट होता हुआ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कैन बस सिस्टम, यानी कंट्रोलर एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर एक रूट मैप यानी मैप के थ्रू बताने की कोशिश की है कि भाई अगर मान लीजिए यहाँ से हम जाना चाहते हैं किसी और स्टेशन पे, तो अगर हम जाते हैं तो यहाँ से ट्रैवल करना पड़ेगा ना हमको, तो ट्रैवल करना पड़ेगा, जंक्शन तो बहुत सारे पड़ेंगे लेकिन हमें उन जंक्शन पे उतरना नहीं है, हमें अपने मेन एम ऑफ गोल तक पहुँच जाना है जहाँ हम जाना चाहते हैं। उसी प्रकार से जो मैसेज यहाँ से निकला है, जो डेटा किसी के लिए रिक्वायर है, किसी मॉड्यूल के लिए रिक्वायर्ड है, वो क्या होगा, उसी मॉड्यूल तक पहुँच जाएगा। आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आया है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कैन सिस्टम। अब कैन कम्युनिकेशन में क्या है, दो मेन चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए ये ECM है और ये आपका इंस्ट्रूमेंट पैनल है जिसे हम कॉम्बिनेशन मीटर या क्लस्टर मीटर के नाम से जानते हैं। इसमें भी एक 120 का ओम का रेजिस्टेंस लगा है, इसमें 120 ओम लगा है, यानी यहाँ से सिग्नल निकलेगा यहाँ पर जाने के लिए। मैक्सिमम सिग्नल जो है वो ECM के ही बाकी सभी मॉड्यूल्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब जो रेजिस्टेंस हमने लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर ये सभी मॉड्यूल्स हैं, ये ECM हो गया, ये आपका इंस्ट्रूमेंट पैनल हो गया, तो अब ये जो रेजिस्टेंस लगाए हैं, इस रेजिस्टेंस के लगाने का फ़ायदा क्या है, इंटरफेरेंस कंट्रोल बाय रेजिस्टेंस। यदि कोई दखलंदाजी होगी बाहर से, वायर के ट्विंस होने की वजह से, मुड़ने की वजह से, दबने की वजह से, तो उसको कुछ हद तक कम करने का कार्य कर सकता है अगर कोई वायर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकंड, डायग्नोस टेस्ट। हमें अभी समस्या पता करनी हो कि इस वायर में क्या दिक्कत है, तो उसके लिए भी ये रेजिस्टेंस हमारे काम आते हैं। फाइंड द एरर। अब यहाँ पर ये फाइंड करना कि इस वायरिंग के अंदर क्या एरर आया है या कितना एरर आया है, किस रीज़न से वो एरर आया है, उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। तो रेजिस्टेंस लगाने से एक तो इंटरफेरेंस कंट्रोल होगा, डायग्नोस टेस्ट हो जाएगा आसानी से, और एरर भी सरलता से जज किया जा सकता है। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाएं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कैन सिस्टम। जो कैन सिस्टम है उसमें मान लीजिए ये एक मॉड्यूल है एंड ये एक मॉड्यूल है, इसमें जो वायर है रेड एंड वाइट कलर आप देख रहे हैं, ये रेड एंड वाइट कलर क्या है, एक दूसरे के ऊपर ट्विंस्ट होकर के चल रहा है, ट्विंस द वायर फॉर रिड्यूसिंग द इंटरफेस, यानी बाहरी जो दखलंदाजी है जो किसी भी पर्टिकुलर रीजन से आ सकती है उसको कम करने के लिए हमने ट्विंस करके वायर को लगाया है। टेम्परेचर चेंज इज सेम इन बोथ वायर। यदि इस तरीके से हम रखते हैं और अगर तापमान रेड वायर का बढ़ता है तो वाइट वाली वायर का भी बढ़ेगा, अगर वाइट वाली वायर का घटेगा तो रेड वाली वायर का घटेगा, यानी दोनों में जो रेजिस्टेंस चेंज आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। बोथ वायर वोल्टेज चेंज इन सेम अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, यानी तापमान के बदलने पर दोनों वायर के अंदर रेजिस्टेंस जो बदलेगा उससे जो वोल्टेज का बदलाव आएगा वो दोनों में क्या होगा, सेम होगा। आइए इस ग्राफ के हम थ्रू आगे स्कैन कम्युनिकेशन को समझेंगे। इसमें ये आप ग्राफ देख रहे होंगे 0 वोल्ट 1.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट 3.5 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। अब इसके सेंटर में 2.5 वोल्ट पे ये आप ब्लू कलर की लाइन देख पा रहे होंगे, स्काई ब्लू कलर का। इसके ऊपर जो ग्राफ बन रहा है यानी 2.5 से 3.5 वोल्ट के बीच में जो ग्राफ बन रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, हाई कैन।
और जो 2.5 से 1.5 वोल्ट के बीच में जो ग्राफ बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लो कैन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कितने वोल्ट का डिफरेंस है, 1 वोल्ट। इसके बीच में कितना है, 1 वोल्ट। ये दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलली चल रहे होते हैं ग्राफिकली। अगर यानी ये यहाँ पर है तो इसका ये वाला डिस्टेंस इस जगह पर है, तो ये क्या है, लगभग सिमिलरली क्या है, चल रहे हैं। इसमें अपनी एक बिट्स है जो डेटा है जो आगे ट्रांसमिट हो रहा है। यदि किसी कारणवश टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका वोल्टेज भी बढ़ेगा, तो इसमें भी बदलाव आएगा, इसका भी वोल्टेज उतना ही बढ़ जाएगा। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, टेम्परेचर इज 20 डिग्री, कैन इज 3.5 वोल्ट एंड कैन लो इज 1.5 वोल्ट। बट इन केस द टेम्परेचर गोज राइज 98 डिग्री टेम्परेचर, जस्ट द इमेजिनेशन एक्चुअली। अब इसको हम आगे क्लियर करें तो हाई कैन कितना हो गया, 4.2, जबकि पहले कितना था, 3.5। तो यानी कि इसमें 7.7 वोल्ट की बढ़ोतरी हुई है। तो ये ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर बनेगा इस जगह पर हाई कैन। एंड लो कैन की अगर हम बात करें तो पहले 1.5 वोल्ट था और अब कितना हो गया है, 0.8 वोल्ट। तो अब इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पर आ जाएगा नीचे की तरफ। तो यानी इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, बराबर होगी। यानी इसके बीच में पहले जो 1 वोल्ट था वो 1.7 हो चुका है, तो इसके बीच में भी कितना हो जाएगा, 1.7 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो डेटा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा और हमारा जो कम्युनिकेशन यूनिट लगा हुआ है वो सही प्रकार से इसको रीड कर पाएगा, पढ़ पाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कैन सिस्टम, 2 वायर यूज टू रीचेक द डेटा ऑफ यूनिट। यानी हमने 2 वायर का यहाँ क्यों इस्तेमाल किया है, ताकि जो हमारा डेटा है उसको रीचेक कर सके, कौन, हमारा कम्युनिकेशन यूनिट। मिनिमम वोल्टेज इज 1.5, क्यों रखा गया है 1.5, इसकी बात कर लेते हैं। इफ द मिनिमम वैल्यू इज 0 वोल्ट, देन द सर्किट इज ओपन। यानी अगर किसी रीजन से हाई कैन और लो कैन का वोल्टेज 0.5 वोल्ट से भी नीचे चला जाता, तो इसका मतलब क्या है कि सर्किट जो है वो टूट गया है, सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया है, ओपन हो गया है। मैक्सिमम वोल्टेज इज 5 वोल्ट ही क्यों रखा गया, इससे अधिक क्यों नहीं रखा गया। इफ मैक्सिमम वैल्यू इज 5 and 12 वोल्ट, देन द सर्किट इज क्लोज टू अनदर वायर। यानी 5 वोल्ट तक तो वैसे जाता नहीं है, हाई कैन भी मैक्सिमम 5 वोल्ट तक नहीं जा पाता, लेकिन अगर किसी रीजन से वो 5 वोल्ट जा रहा है या 12 वोल्ट तक चला जाता, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई अनदर वायर आई और उससे जा करके मिल गई है, यानी उससे जुड़ गई है। तो इस तरीके से हम फॉल्ट को डायग्नोज कर पाते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं।